इन दिनों राजस्थान में चल रहे बजट सत्र में हर दिन के साथ पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आज बजट सत्र के बाद कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा बोले कि केंद्र का बजट निराशा लेकर आया है, युवा महिला और किसान के लिए कुछ नहीं। टैक्स बढ़ाने का काम किया गया है, बजट से राजस्थान गायब है, बजट से सरकार बचाने का प्रयास किया गया है। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। गोविंद सिंह डोटासरा बोले कि युवाओं के रोजगार के लिए कोई रोडमैप नहीं है, युवा रोजगार के नाम पर जुमला है। इस बजट से राजस्थान को निराशा हाथ लगी है, किसी भी योजना में राजस्थान को पैसा नहीं दिया गया है, सभी वर्गों को निराशा मिली है। डोटासरा आगे बोले कि केंद्र सरकार केवल अपनी सरकार बचाने का काम कर रही है, देश के लिए काम नहीं कर रही। 11 सीटें हारने का बदला राजस्थान से लिया गया है। पर्यटन मंत्री को लेकर बोलो कि पर्यटन में राजस्थान को कुछ नहीं दिया, लेकिन इनको जनता उपचुनाव में सबक सिखा देगी। वही बजट पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान सामने आया। टीकाराम जूली बोले कि ऐसा लग रहा है सरकार बचाने का बजट है, जो हालात केंद्र के अंदर बन रहे बिहार और आंध्र प्रदेश को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग प्रेशर में हैं, इनको देश दिखाई नहीं दे रहा। पहले पूरा फोकस गुजरात पर रहता था, अब तीन राज्यों पर हो गया, राजस्थान आज देखता रह गया। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।